उठाने भी नहीं है, मतलब एम्बुलेंस तक नहीं है,
1 लाख और देते। और गाइस मुझे थोड़ा बहुत इसके ऊपर दया आ चुका है, काम करते भाई, कॉल करते एम्बुलेंस को और शायद एम्बुलेंस आकर इसको हॉस्पिटल ले जाए और ये बंदा शायद से बच सकता है, तो इमरजेंसी में मैंने कॉल लगा दिया है। ओके Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Paramedics are en route to your current location. Okay, so guys, थोड़ी देर में एम्बुलेंस वाले अपने लोकेशन पे आएंगे और इस बंदे को लेकर जाएंगे। तो गाइस लेस्टर ने मुझे बहुत ही बारीकी से प्लान समझा दिया और लेस्टर ने ये कहा कि हम पहले उस बंदे के घर पे जाएंगे, तो उसकी फॉर्च्यूनर लेकर नहीं जाएंगे। ये लेस्टर ने छोटी सी कार लाया जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। गाइस हम इसी कार को लेकर जाने वाले हैं टीम के घर पे चोरी करने। मतलब देख लो माइकल को भाई, माइकल अभी फॉर्च्यूनर में बैठ कर आया, बट पता नहीं भाई ये कैसी सी मिनी कार में अपन जा रहे हैं। फिर ठीक है, ये मिनी कार भी बहुत ज्यादा क्यूट बोल सकते हैं इसको भाई, बहुत ज्यादा प्यारी है। और भाई ये भी देखा जाए ओवरऑल तो ये बहुत ही ओल्ड विंटेज कार इसको भी बोल सकते हैं भाई, ये बहुत ही महंगी और बहुत ही पुरानी कार है और बहुत ही रेयर। अगर देखा जाए भाई ऐसी कार मैंने शायद इससे पहले लॉस एंटोस में कहीं नहीं देखा। पता नहीं इसको मॉडिफिकेशन भी कुछ इस तरह का हो रखा है ना भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि न्यू कार है या फिर पुराने मॉडल का कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी है गाइस रजिस्टर में कुछ ये भी बोला है कि हमें वहाँ पे जाएंगे उस कार को चोरी करके, उससे पहले हमें मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और यार बंदे यहाँ पे घूम रहे तो मैं काम करता हूँ, कार को यहाँ पे साइड से लेकर कार से निकल जाता हूँ, सामने ही मास्क का दुकान है। मास्क का दुकान जो है ना डरे और सीधा उसको ऊपर भेज दूंगा, बंदा ना करे तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, फाइनली मेरा भाई पहुंच चुका है मास्क वाले स्टोर पे। सबसे पहले निकलते अपनी कार से बाहर और गेट बंद कर देते भाई, और ना पता चले कोई बंदा आए इसको चोरी करने में कोई सोचेगा नहीं भाई, डायरेक्ट चोरी करके निकल जाएगा क्योंकि ये कार बहुत ज्यादा प्यारी है। तो चलते अपने पास ये जो मंकी वाला मास्क आपको ऊपर देख रहे वो तो है, बट अभी अपने वो वाला यूज नहीं करता करना है, बहुत बार यूज कर लिया। बाकी देखते हैं इनके पास कौन कौन सा मास्क है, ये कुछ घटिया सा मास्क है जो कि मुझे नहीं चाहिए भाई, बहुत गंदा दिखने में लग रहा है। बाकी इस मास्क को देख सकते हैं भाई, ये थोड़ा बहुत चलेगा बट देख लेते हैं इनके पास बहुत सारा मास्क होगा। और ये मंकी वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए और ये तो चाहिए नहीं, मैं पता नहीं कैसा था मास्क, देख रहे हो भाई। और ये कैसा मास्क है भाई, एकदम फनी सा मास्क लग रहा है, पता नहीं ऐसे मतलब किसी गिरा हो पहन लो। ये भी मास्क मुझे नहीं चाहिए, ब्लैक में भी काफी ब्लैक नहीं ब्राउन था। और भाई साहब ये मास्क देखो एकदम मतलब मॉन्स्टर सा मास्क है और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। बाकी देख लेते हैं इनके पास अभी कौन कौन सा मास्क अवेलेबल है। तो भाई मुझे वो मॉन्स्टर वाला मास्क ही अच्छा लग रहा है, तो इसी को परचेज कर लेते हैं। और ये वाला कलर भी बेस्ट है, बट मुझे सबसे पहले ये वाला अच्छा लगा था तो इसी को लेते हैं। अब भाई यहाँ से निकलते हैं, तो गाइस इसको मैंने परचेज कर लिया। अब भाई बैंक बैलेंस पे मत जाना माइकल पे, क्योंकि भाई माइकल के सूट में आपको पता ही है कि इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं, इसने भी लास्ट वीडियो देखा होगा। और गाइस ये देखो अभी माइकल बन पाए, काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, तो मैंने बताया कि माइकल का लुक कैसा लग रहा है। और भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार। हम लोग बहुत दिनों बाद एक मिशन पे जा रहे हैं जिसमें कोई हम लोगों ने छोड़ ही दिया था, लेकिन क्या करें भाई, जी माफिया अपने शोरूम पे हेल्प मांगने आ गया, तो उसका हेल्प तो करना बनता ही है। और गाइस अभी मैं इस कार को भाई चलाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बस इस बीच वाले एरिया से निकाल दूं पहले। और मैं यार इधर बंदे इतने शोर मचाते हैं ना कि पूछो मत, और डरते हैं तो अलग, पता नहीं इतना डरते क्यों मुझे नहीं पता। खैर अभी कोई नहीं डरना भाई, बस रास्ता कुछ ही देर में आने वाला है, तो बस मैं इसको इधर से प्यार से निकाल देता हूँ, बस किसी तो अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलो ठीक है, यहाँ से मोड़ते अपनी कार को राइट। और भाई भगाते पुलिस स्पीड में हमने गलत जा रहा था क्या, नहीं चलो ठीक है, यहाँ से लेफ्ट की तरफ मोड़ना। और भाई साहब इससे ड्रिफ्ट काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। गाइस हम बात कर लेते हैं जिस बंदे के घर पे करने जा रहे हैं, मतलब उस बंदे का नाम है की। गाइस बंदे के घर पे बहुत ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए हमारा मतलब फेस उस सीसीटीवी कैमरा में ना आए, इसलिए लेस्टर ने अपने को मास्क लगाने के बोला है। और गाइस उसके घर पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी है, बहुत ज्यादा रॉन्ग भी जा रहा हूँ, बात करता हूँ बट रॉन्ग भी बहुत चलाया हूँ।
कोई बात नहीं, मजे मजे में भाई इसको ड्राइव करने में मुझे मजा बहुत आ रही है। थोड़ी सी मोड़ो बट ये कार एकदम खतरनाक सी लेती है और ठोकने खाते कैसे निकलती है यहाँ तक तो आ चुका हूँ। तो गाइस इसलिए हम लोगों ने मास्क पहन लिया और उसके घर पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और वो बंदा भी बहुत ज्यादा पावरफुल है जिसके पास वो ओल्ड कार है, मतलब बहुत पुरानी कार है। क्या जो भी गाइस जल्दी से जल्दी उस बंदे के घर पे और डन गाइस। तो तुम्हारा भाई पुलिस कार को लेकर पहुंचने वाले उस बंदे के मेंशन तो इसका की नाम की है और देखते हैं भाई क्या लेस्टर में बुला था वैसा कुछ मामला है कि नहीं यहाँ पे। मतलब अक्सर हम लोग कहीं पे चोरी वगैरह करने जाते हैं तो अपने लिए कोई भारी बात नहीं होता, आराम से अपन चोरी कर लेते हैं। बट ठीक है देखते हैं भाई बंदे के नाम की है तो शायद से अपने को प्रॉब्लम हो सकता है जैसे कि लेस्टर ने अपने को बताया था कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और भाई इसका मतलब भाई पुलिस वालों से भी बातचीत बहुत अच्छी चलती है तो नॉर्थ एंड टॉस में इसको कुछ बोलने वाला नहीं है। और गाइस यही वो मेंशन है जहाँ पे हम लोग चोरी करने आए हैं और यहाँ पे दो दो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है सब। मतलब मुझे कुछ इस तरह से जाना है कि इनको हमारे ऊपर तक ना हो तो अपनी कार को मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत साइड पे लेता हूँ और देखता हूँ भाई यहाँ पे कितने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड फंस गई। क्या भाई मेरी कार यहाँ पे इसका यार ग्राउंड क्लियरेंस ना बहुत ज्यादा कम है, ग्राउंड क्लियरेंस अगर सही होता तो ये नहीं फंस गई। बट ठीक है जल्दी इसको निकाल लेते हैं, पता चले कि कटाउट कर जाए तो भाई निकले ही ना। पर गाइस ये देखो यहाँ से मतलब पूरा का पूरा लॉस एंड टॉस दिख रहा है, एकदम तगड़ा व्यू है। रात पाकर कभी यहाँ पे मस्त अपन व्यू इंजॉय करेंगे। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ कि उस घर में लेस्टर ने बोला था कि जब तक अपने को वहाँ पे वो कार नहीं दिखे तब तक हम लोग घर के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। और यार ये मजे मजे में पता नहीं ये कार कहाँ चली जा रही, पता ही नहीं चल रहा है। एक्सीलेटर तो हल्की थी और ये स्पीड पकड़ दे रही है। ठीक है मैं सबसे पहले गाइस जाने वाला हूँ इस पहाड़ के ऊपर और जहाँ से देखता हूँ भाई क्या वो कार जिसको हम लोग चोरी करने आए हैं वो मतलब घर में है कि नहीं। और भाई आखिर के घर में इतने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम का तो अपन भाई ट्रेवर को या फिर ट्रैकलिंग को कॉल करके यहाँ पर बुला लेंगे। बट मैं अभी अकेले ही आया हूँ भाई, अकेले ही माइकल सबके ऊपर काफ़ी है, मतलब मार देगा इसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिलहाल ले चलते अपने कार को यहाँ से नीचे की तरफ। और भाई मुझे वो लोग वो आपको घर के ऊपर एक टावर देख रहे हो भाई उसके ऊपर भी मुझे बंदा दिख रहा है यहाँ से अगर देखा जाए तो। भाई पता नहीं उसके ऊपर भी लोगों ने बंदे बैठा रखे हो जो भी की है। फिर ठीक है अपनी कार को यहाँ पे प्यार से आगे करते हैं और सामने की तरफ सिक्योरिटी गार्ड तो मुझे दिख रहे हैं थोड़े बहुत बट अभी तक मुझे वो कार नहीं दिखी है। तो रुक जाओ इसको यहाँ पे बैक करते हैं और भाई अपने फोन के कैमरा से एक बार मैं चेक करने वाला हूँ क्या कितना सामने की तरफ कितने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड है और भाई वो कार अगर खड़ी है तो आखिर फिर किधर की तरफ खड़ी है ये चीज मुझे चेक करना पड़ेगा। तो रुक जाओ मैं अपना फोन निकाल देता हूँ और गाइस देखते हैं सामने की तरफ क्या सीन है। सबसे पहले कैमरा किधर गया भाई, मेरा कैमरा ओपन करेंगे। अरे यार एक बंदा टावर पे खड़ा है मुझे उससे डर लग रहा है थोड़ा बहुत, अगर वो बंदा अपने को देख लेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको एक बुरी जूम करके दिखाता हूँ अच्छे से कि घर में आखिर कितने सिक्योरिटी गार्ड है। ओके भाई तो सामने की तरफ इधर तीन बंदे खड़े और दो उधर की तरफ और इसी की बात कर रहा था टावर बुद्ध भाई एक बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है बट सामने की तरफ एक वॉल है जिसके वो मुझे मतलब देख नहीं पा रहा है। ठीक है चलो ठीक है अच्छी बात है। और गाइस जिस कार को हम लोग चोरी करने आए वो ना ही इस मेंशन में दिख रही है, दोनों मेंशन में से किसी मेंशन में वो कार नहीं खड़ी है। तो चलो ठीक है गाइस लेस्टर ने तो बोला था कि अपने को घर में नहीं जाना है बट अभी मुझे थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा क्योंकि वो कार मुझे नहीं दिख रही है और मैं घर के अंदर जाकर भाई सीधी सी बातें चेक करूंगा कि वो कार है भी या नहीं। अगर वो कार नहीं होगी तो भाई अपन चुपचाप यहाँ तक नहीं छोटी सी मिनी कार लेकर निकल जाएंगे। लेकिन लेस्टर ने जैसे कि सीसीटीवी कैमरे हैक करके देखे देखी वो कार गाइस यहीं पे खड़ी है, शायद बहुत ही पुरानी मॉडल की कार है भाई बट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो चलो ठीक है अपनी कार को यहीं पे मैं पार्क करता हूँ और सामने आपके बीच जो वॉल देख रहे हो इसको मैं टैप कर जाने वाला हूँ इस साइड। और भाई अभी चेक करते हैं कि किधर की तरफ वो कार खड़ी है। भाई फाइनली तुम्हारा भाई जब मस्त चढ़ चुका है तो यहाँ से नीचे उतर जाते हैं और धीरे धीरे भाई चलते हैं ताकि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पे पता ना चले या फिर जो जितने भी कैमरे लगे हैं ना उसमें भी अपन नहीं है। और भाई नहीं देख रूंगे डायरेक्ट चला जा रहा था, अच्छा बात ये है कि भाई मैंने यहाँ पे कवर ले लिया। और भाई सामने की तरफ आप कुछ सिक्योरिटी गार्ड देख ही पा रहे हैं, मतलब घर का ऐसा कोई भी जगह नहीं ना कि मतलब वो लोग मतलब बंदे नहीं खड़े हैं सिक्योरिटी वाले, भाई हर तरफ इन लोगों ने बंदे खड़े करके रखे हुए हैं। तो चलो ठीक है यहाँ से आराम से चुपचाप चलता हूँ। और भाई सीसीटीवी कैमरे के लिए लेस्टर ने बोला था बट मुझे अभी तक कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा है,
चलो अच्छी बात है, प्यार से आगे की तरफ चलती है और देखते हैं भाई आखिर तक वो कार किधर की तरफ खड़ी है। बस कोई बंदा मुझे ना देखे या फिर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी देख लेगा ना भाई, फालतू में अपनी खाली पीली लड़ाई हो जाएगी उनसे अपनी। इसलिए मैं प्यार से आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मतलब छिप छिप कर उनको पता ना चले। और सबसे पहले मैं आकर यहाँ पे कवर ले लेता हूँ। तो चलो ठीक है, सामने की तरफ मुझे एक कार दिख रही है और भाई वो कौन सी कार है? जैसा मैं सोच रहा हूँ वो वाली कार तो नहीं है ना, बट नहीं वो भाई कोई पुरानी कार नहीं, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी कार लग रही है अपने को, वो शायद कोई एक्सयूवी है। तो चलो ठीक है आगे की तरफ चलते हैं। और नहीं नहीं भाई, यहाँ पे गाइस दो दो बंदे अपना मस्त चिल कर रहे हैं, तो अपने को सामने की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर सामने की तरफ गए तो भाई ऐसे ही पकड़े जाएंगे। और ये देखो भाई यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है, अगर भाई कोई बंदा कंट्रोल रूम में बैठा होता ना तो अभी तक अपने को भाई इतने देर यहाँ पे अपन सर्वाइव नहीं कर पाते। शायद से बंदा कहीं खाने पीने गया होगा या कुछ भी, लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो कि भाई कंट्रोल रूम में कोई नहीं बैठा है, जैसा कि लेस्टर बताया था, या फिर लेस्टर ने भाई सीसीटीवी कैमरा हैक कर दिया हो, क्या पता है इसका फुटेज भाई चेंज ही नहीं होता इधर उधर। खैर जो भी सीन है, सीसीटीवी से मुझे थोड़ा बहुत मतलब डर लग रहा है, बट उतना भी डर नहीं लग रहा है। और सामने की तरफ आप लोग बंदे देख ही पा रहे हैं, ठीक है मुझे कैसे भी करके यार उस कार को देखना, अगर एक बार वो कार दिख गई ना फिर अपना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और गाइस सामने की तरफ वो खड़ी गई ओल्ड मॉडल की सुपर कार, जिसको कि हम लोग चोरी करने आए हैं। और भाई सिक्योरिटी देखो कितनी तगड़ी लगी हुई है इस किंग के घर पे। तो चलो भाई तुम लोगों को तो मैं इजी डाउन कर दूंगा, बट अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ। और यार मेरे नीचे भी यहाँ पे एक मतलब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पीछे में, आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे भाई, पता नहीं इस घर में कितने ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं। अगर सीसीटीवी से कुछ होने वाला होता तो अब तक हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। चुपचाप से हम सबसे पहले इधर से घर से बाहर निकलते और ना एक भी सिक्योरिटी गार्ड अपने वो देख लेगा ना भाई, खाली प्लेन से अपनी फाइट हो जाएगी घर के अंदर ही, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो भाई चुपचाप से इस घर से बाहर निकलते हैं सबसे पहले। और भाई गेट के सामने जितने भी बंदे खड़े हैं ना, दो बंदे गेट के सामने खड़े हुए थे, उनको डाउन करेंगे एक एक डाउन करके, मतलब घर के अंदर जाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट इनके ऊपर अटैक कर दूं ना इधर पीछे से तो भाई सारे बंदे एक ही बार में टूट पड़ेंगे अपने को, तो ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस कार को चुपचाप से लेकर मैं चलता हूँ थोड़ा बहुत सामने की तरफ और भाई जाकर उन दोनों बंदे को डाउन करूंगा। बस ये कार थोड़ी शोर कम मचे यार, पता नहीं शोर इतना ज्यादा, मतलब ये देखो पता नहीं एग्जॉस्ट सब कुछ तो लगा है, अरे फंस गई क्या भाई यहाँ पे? हट तेरी, तो मतलब एंड टाइम पे धोखा देख रहे हो। अगर कोई मुझे भाई यहाँ पे दौड़ा उड़ा दे तो मैं भगूंगा कैसे? कोई सिक्योरिटी या टूक लेकर आ जाए, पुलिस वगैरह आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं गाइस, मैंने अपना गन निकाल लिया, लेकिन मुझे भाई कोई अपने सप्रेसर वाला गन निकालना पड़ेगा और ये है देसी कट्टा, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो चेंज करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने अपना सप्रेसर वाला पिस्तौल निकाल लिया है, इसके अंदर फुल सप्रेसर लगा हुआ है, अगर हम फायर भी करेंगे तो उतना ज्यादा शोर नहीं मचेगा इससे। चलो ठीक है चुपचाप से गाइस चलते हैं सामने की तरफ। और सिक्योरिटी का टावर वाला मुझे ना देख ले, टावर वाला तो भैया मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। चलो ठीक है मैं चुपचाप से यहाँ तक तो आ चुका हूँ और अभी भी इस बंदे को कुछ नहीं पता चला, मतलब कुछ पता चला ही नहीं भाई। तो चलो ठीक है चुपचाप से एक एक स्टेप चलते हैं और भाई इसको मारेंगे पट से हेडशॉट। और भाई लेस्टर ने बोला था ये बंदे काफी ज्यादा समझदार है तो देख कर मारना, तो चलो ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और ओ भाई अभी सच में ये बंदा तेज था भाई, ये गोली मतलब गई नहीं और ये बच गया। और भाई नहीं शायद से इन बंदों को पता चल चुका है तो ये यार गन निकाल लेते और भाई फायरिंग ही करती है बहुत ज्यादा तेज। तो आ जाओ सालो तुम लोगों को तो मैं कतई नहीं छोड़ूंगा, तो यहाँ पे कवर ले लेते। और भाई नहीं 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 मुझे इधर टैप कर नहीं आना था, सबसे पहले चलते इस साइड और प्यार से अपने ये यार गन निकाल लेते हैं M4 16 और M4 से मारते हैं। कोई नहीं कवर कवर भाई क्या हो जाता है मुझे गन इधर उधर क्यों कर देता हूँ मैं, तो चलो ठीक है अभी कवर लेते हैं यहाँ से और मारते हैं इसको। ओके एक बंदा डाउन हो चुका है, अब ये लोग आएंगे, तुम लोग भाई इंतजार मत करो आते जाओ। ओके ओके, तो भाई इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड एक ही बार में सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड टूट पड़े मेरे ऊपर, कवर लेते हैं यहाँ पे और इसको डाउन करते हैं। और गाइस सच में ये वाले बंदे काफी ज्यादा समझदार है, घास में कोई नहीं छिपाना भाई, इधर से कहीं से तो फायरिंग आ रही है बट मुझे कोई बंदा दिख नहीं रहा। और आ जाओ तुम डायरेक्ट आ जाओ, मान लीजिए कुछ बंदे जो कि डायरेक्ट आ जा रहे हैं, बट भाई
कोई कोई बंदा कवर लेकर खड़ा हुआ है, मेरा इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये जाऊं तो मुझे मारे। बट भाई हमें यहाँ पे काफी ज्यादा दिमाग लगा रहे साइड चेन वाले हैं, क्योंकि ये बंदे काफी ज्यादा खतरनाक है। ये तो ये कवर लेकर खड़ा हुआ है, बट इसको पता नहीं कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। भाई तेरे मारने से पहले ना मैं तुझे डाउन कर दूंगा, तो डाउन करते हैं इसको। ओके ओके, तो रुक जाओ, मुझे अपना स्नाइपर निकालना पड़ेगा क्या यहाँ पे? तो चलो ठीक है, स्नाइपर निकाल लेते हैं और इस बंदे को सबसे पहले डाउन करके मुझे नहीं बच गया। चलो ठीक है, इसको डाउन करते हैं और कवर लेते हैं, लेट्स गो। और सामने कोई और बंदा तो था, इधर ही कोई बंदा था, चल बाहर निकल जा भाई। और भाई सामने रेंज रोवर खड़ी है क्या? गाइस ये तो क्या प्योर गोल्ड की रेंज रोवर खड़ी है, शायद से गोल्ड कलर ही है जहां तक मुझे पता हो। और भाई यहाँ पे शायद जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे शायद से मैंने उसको गाइस मार दिया। और भाई सब ये देखो यहाँ पे गोल्डन कलर की रेंज रोवर खड़ी हुई है भाई, अपने लॉस एंटोस में रेंज रोवर, शायद रेंज रोवर बिलार है, यहाँ पे बिलार का स्टिकर लगा हुआ है। और सामने जो टावर वाला बंदा है ना गाइस, उसको मैंने मारा ही नहीं, तो सबसे पहले नेट निकालते हैं, वो पुलिस को कॉल करे, उससे पहले गाइस नेट निकालते और उस बंदे को देखकर मार देते हैं। और ना गाइस वो लोग पता नहीं नोटिस कर रहा हूँ भाई, वो सब वो देखता होगा क्या की तरफ में यहाँ पे क्या करने आए हैं, उससे पहले वो हमने देखा हमें उसको देख कर मार देते हैं। चलो ठीक है, नेट हमने निकाल दिया और फेंकते ऊपर की तरफ। ओके और गाइस नहीं, ये नेट शायद से दूसरे की तरफ आ गया है, मुझे नहीं लगता कि यार इतने ऊपर तक मतलब नेट जाएगा भी, बट अपन ट्राई करने में क्या जाता है। एक और नेट फेंका है मैंने और गाइस नहीं ऊपर तक तो नेट जा ही नहीं रहा, और यार पुलिस वालों को किसने कॉल कर दिया भाई? मुझे लगता है उस बंदे पे मैंने नेट फेंका और उसने पुलिस वालों को कॉल कर दिया। और गाइस ये देखो यार रेंज रोवर, मेरा तो मन है कि उसको चोरी करूँ, बट यार क्या कर सकते अभी अपन इसको चोरी करने के आई थी। और भाई साहब ये काफी ज्यादा खतरनाक कार है देख रहे हो, और यार पुलिस वालों को किसने बुला दिया मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। भाई सबसे पहले अपने को इस कार को यहाँ से लेकर निकालना पड़ेगा, भाई इसके छक्के में क्या लगा हुआ है एकदम कटर जैसा, भाई इसके मतलब एरिया में जो भी बंदा आएगा कटर जाएगा भाई। नहीं सामने गए पुलिस वालों ने फुल सिक्योरिटी लगाकर खड़े हुए, अगर मैं सामने जाऊंगा तो भाई गाड़ी तोड़ मिल देंगे मुझे। सबसे पहले गए यहाँ पर पुलिस वालों को मारना पड़ेगा, तो कवर लेते हैं और आ जाओ भाई, जितने आएंगे उतने को मारते जाऊंगा ना मुझे। तो ठीक है यहाँ पे मुझे भाई थोड़ा बहुत संभल कर खेलना पड़ेगा, और भाई गेट से मत खेलो यार तुम लोग, मतलब ये लोग सोच रहे हैं कि गेट का कवर लेकर बच जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है आ जाओ भाई, सबको भूत बना दूंगा मैं कसम से बता रहा हूँ, घर के अंदर नहीं आओ, घर के अंदर नहीं आओ, मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे गाइस पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो घास है ना भाई, मैं यहाँ पे ऐसे छिप सकता हूँ, और भाई क्या सिक्योरिटी गार्ड मारे हैं मैंने कसम से। और यार यहाँ पे कवर लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्या ठीक है बाहर निकल तू, अभी तो छिप रहा है भाई तो देख रहे हो। और सामने मेरे भाई अननोन बंदे को मार दिया पुलिस वाले, नहीं था वो, और पीछे से कोई तो मुझे मार रहा है, पता नहीं कौन मार रहा है पीछे से। हेलीकॉप्टर हटा भाई, सबसे पहले हेलीकॉप्टर हटाने का सबसे बता रहा हूँ, हेलीकॉप्टर वालों से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पे सीढ़ी पे देख रहे इतने ज्यादा बंदे मैंने मार दिए मतलब गाइस इस घास में छुप जाते हैं अपन। और नहीं भाई पुलिस वाले दीवार काट कर आए जा रहे हैं, और भाई कब से ही बंदा मार रहा था उसको, ठीक है उसको हमने मार दिया, और इसको भी लगे यहाँ हमने इसको भी डाउन कर दिया है। और आ जाओ भाई जितने आ रहे हो ना सारे, अभी ट्रीटमेंट दी के सारे पागल है भाई, ये बंदे एकदम आकर घुस गया मेरे में, क्या ही बताऊं क्या। ठीक है ओके तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है गाइस यहां पर, मुझे नहीं लगता कि इस कार को भी हम यहां से लेकर जा पाएंगे, मुझे यहां पर शॉटगन निकालना पड़ेगा। और भाई आ जाओ इस शॉटगन से लग जा भाई, एक गोली से तीन तीन मत दो तो बंदे मार देने कसम से। और रेंज रोवर को मत डाउन करना भाई कोई बंदा, मैं पहले ही बता रहा हूँ रेंज रोवर से कुछ नहीं होना चाहिए, तो गाइस रेंज रोवर भी अपन अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट में आकर चोरी करेंगे भाई, मुझे चलाना है मैं तो चोरी करूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करो या ना करो मुझे बहुत पसंद है। अरे हेलीकॉप्टर वाले को कब से देख रहा हूँ, उनको सबसे पहले आरपीसी निकालते हैं। हाँ नहीं तो तू भाई कब से देख रहा हूँ यहाँ पे खड़ा है जो कि हिल ही नहीं रहा, तो चल भाई यहाँ पे सबसे पहले निकल। ओके तो गाइस मैंने हेलीकॉप्टर यहाँ पे डाउन कर दिया, निकालते हैं अपना ये शॉटगन, और भाई सभी बंदे को मारते हुए निकलते हैं। ओके एकदम
अंकल जी अभी जो घर पे थे फालतू में इधर मेरे से घूमने आते हो, मतलब भाई ऐसा लग रहा है ना इन लोगों का कार्य कसम से, जान मेरे पर छूट जाता है तो चलो काटो अबे लग तो काट जा भाई, लग ही नहीं रहा है कभी कैसा बंदा है भाई, इसको गोली लगी नहीं मतलब क्या ही बताओ इसको मारते पहले। अबे अंकल जी पीछे साइड में जाओ, तो गाइस मुझे यहाँ पे सबसे पहले यार अपनी कार को लेकर निकालना पड़ेगा, अगर मैं इन लोगों को मारते रह जाऊँ ना तो मैं इधर ही फंस जाऊँगा। तो सबसे पहले गाइस इनको लेकर यहाँ पे निकलते हैं और अपनी कार में बैठते हैं, और भाई ये कार फूट फूट कर तो शायद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और निकल रहा है, इसके चक्के में जो चीज लगा हुआ है ना, और मैंने बोला था भाई ये लोग रोड ब्लॉक करके खड़ा रहेंगे ही रहेंगे, तो चलो ठीक है जितने मर्जी रोड ब्लॉक कर दो। और भाई इस कार की पिकअप कितने खाते ये देखो, मैंने बेचारा से हल्की सी रेस दी और भाई चार पिकअप पकड़ लिए ना, मतलब पूछो मतलब फटाफट भगाते हैं गाइस। और गाइस पिक वापिया ने अपने को बोला था भाई इस कार को छोड़ करके हमें लेकर जाना है सैंडी सोरस भाई ड्राइवर के काम में, तो इधर ही सैंडी सोरस से तो भगाते हुए चलते हैं गाइस ड्राइवर के काम पे, वहीं पे अपने को बिग माफिया मिलेगा और उसी को वहाँ पे जाकर ये कार देना है अपने को, तो भाई वहाँ पे जाकर उसको कॉल करके पूछ लेंगे कि सैंडी सोरस में इस कार को किधर लेकर आना है। और गाइस को समझते कार भले ही पुरानी मॉडल की है और इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और पुलिस वाले ने भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर रोड ब्लॉक करके रखा हुआ, तो अच्छा भाई पता नहीं यार ये लोग कैसे रास्ते में आ जा रहे, ये मतलब अपना एक्सीडेंट ही करवा देगा भाई, क्या पागल है क्या, मुझे जाने दो भाई फालतू में तुम लोगों की कार है क्या, तुम ऐसे रोड ब्लॉक करते हैं ना मतलब पूछो ही मत। तो भाई जल्दी से भगाते हैं आप लाते हैं, मुझे लगता है कि लोगों से बहुत जल्दी अपना पीछा छूट जाएगा, तो पीछा छूट जाएगा वो बेटर रहेगा, भगाते अपनी कार को पुलिस पुलिस को, और नहीं यार मतलब पुलिस वालों ने यहाँ पे ब्रिज ही ब्लॉक कर दिया भाई, मैं जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा। तो गाइस मुझे यहाँ पे सबसे पहले भाई अपने जाने दो यार, पूरा का पूरा ब्रिज इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा, सबको मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, सबसे पहले इनको रेट देखकर ब्लॉक करना पड़ेगा, तो इसी कार को मैं पीछे की तरफ करते हो कार तो बाहर ही खोजी, और भाई नहीं चलते कार से मैं बाहर आ गया, और माइकल का तो भाई ये लोग फेस पहचान ही नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले रेट निकालते और फेंकते ही नहीं तो, और चलते हैं जल्दी से अपनी कार में, होता है अपनी कार को लेकर यहाँ से निकलते हैं फटाफट, वरना भाई फिर से इन लोगों ने दोबारा से ब्रिज ब्लॉक कर दिया, फिर से अपने को प्रॉब्लम होगा। तो भगते यहाँ पे हट जॉब सारे एक और बंदा आकर यहाँ पे ब्रिज ब्लॉक करके जाने दे भाई, मतलब क्या क्या चाहते क्या हो सको, ये देखो पीछे से आकर मुझे ब्लॉक कर दिया भाई, तुम लोगों की कार है क्या, पुलिस वाले सारे दोस्त दोस्त यहाँ आकर मारूंगा, तुम पहले बता रहा हूँ मुझे निकल जाने के यहाँ से, चलो ठीक है फाइव मिनट की कार निकल गई और भगाते पूरी स्पीड में वो भाई पीछे की तरफ गाइस क्या ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट किया उनके से पूरी इस टाइम, आप लोग वीडियो को पीछे करके देखो एक बार भाई, और उस मतलब उस भाई मूवमेंट के लिए ना एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बन जाइए, और भाई कमेंट में बताओ कि आपको मतलब मूवमेंट कैसा लगा, पता नहीं कोई कार भाई ऐसे झुलस रही होगी और उसमें आग लग गई वो ब्लास्ट होगी, मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए ना तो शायद से मैं पुलिस वालों से पीछा छुड़ा सकता हूँ। जल्दी से चलते हैं, यहाँ पे मुझे कच्ची सड़क मिल चुकी है, तो शायद इधर मैं जाऊँगा तो पुलिस वाले इधर नहीं आएंगे, और मैं उनको भाई रास्ता भटका सकता हूँ, बट नहीं ये कार कभी कभी अनकंट्रोल भी चली जा रही है भाई, मेरे से कंट्रोल ही नहीं, और ये देखो जैसा कि मैंने बोला भाई अनकंट्रोल हो जा रही है, और फंस तो नहीं गई ना भाई यहाँ पे, अगर फंस जाएगी तो अपने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो चलो ठीक है फंसी नहीं। तो गाइस अभी जल्दी से अपने को पुलिस वालों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, और भाई फिर से अपन चलते हैं हाईवे पे, और यार मुझे कोई और रास्ता नहीं मिल रहा, और भाई इसका टायर जो है ना ये बहुत ज़्यादा सीधी कार है, और ये जो कटर है ना भाई इसमें कोई पुलिस वाले आकर कटे ना कटन से काफ़ी ज़्यादा मजा आए, कोई पूरे एकदम बुकरी हो जाए कट कर, और यार ये नॉर्मल पब्लिक मतलब पब्लिक यार बीच रोड में गाड़ी खड़ी करके क्या कर रही है भाई, जाने दो यार मुझे फालतू में तुम लोगों ने एकदम पकड़ के रखा है, चलो ठीक है मुझे भाई शॉर्टकट रास्ता मिल चुका है जो कि एक कच्ची सड़क है, भगाते हैं पुलिस की जो बस इधर कोई पुलिस वाला ना आ जाए, और नहीं नहीं ये सामने सारे इसमें एक्सीडेंट ना हो जाए भाई, उसको बचाने के चक्कर में ये देखो अपनी गाड़ी भाई पहाड़ पे ही चढ़ गई, चलो कोई बात नहीं है भगाते अपनी कार को यहाँ से पुलिस स्पीड में, और भाई पुलिस वाले भाई अनाउंस किए जा रहे हैं कि अपनी कार को रोक दो, बट भाई मैं बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला हूँ, और इसके नंबर प्लेट पर कहीं लिखा हुआ है ठीक, तो चलो ठीक है सामने की तरफ से एक बार मुझे और हाईवे मिल जाए फिर मैं भगाऊंगा अपनी कार को पुलिस स्पीड में, और जल्दी से यार इनके पीछा छुड़ाते हैं कसम से भाई,
मतलब रास्ता ब्लॉक करके ना इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो चल हटो खाली, तो इधर थोड़े बहुत रास्ते ठीक है, तो भगाते अपनी कार को जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ा दो। ऑल डन गाइस, तो फाइनली तुम्हारे भाई के पीछे से पुलिस हट चुकी है। और भाई काफी ज्यादा टाइम लगा था इन लोगों से पीछा छुड़ाने में, और आराम से भाई कुछ ज्यादा ही स्पीड में थे अपन। और भाई पीछे कोई ट्रेन में अपनी कार टकरा गई, अच्छी बात तो ये कोई इधर कोई टूटी वूटी नहीं। बट ठीक है गाइस, हम लोग आ चुके हैं ट्रेवर के घर के तरफ। और गाइस यही है सैंडी सोरस विलेज, जहाँ पे अपने को बी माफिया बुलाया था इस कार को लेकर। तो चलो भाई सबसे पहले उसके पास कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आखिर बी माफिया किधर है। जिधर बोलेगा भाई उसी लोकेशन पे जाएंगे और उसको एक कार डिलीवर कर देंगे, उसके बदले भाई वो अपने को पैसा दे कुछ भी दे ले लेंगे। तो बात करते हैं ओके गाइस, तो मेरा बात बी माफिया से हो चुका है और उसने अपने को लोकेशन दे दिया। भाई लोकेशन कुछ ज्यादा दूर नहीं है, और भाई सैंडी सोरस में थोड़े बहुत लोग नहीं रहते ना जिधर की तरफ, मतलब एकदम हिडन पहले से उधर ही अपने को जाना है। और एक कार कभी पानी वगैरह में कीचड़ में फंस ना जाए, और भाई ये जो सीन है ना काफी ज्यादा खतरनाक बनते हैं। और इस कार को अभी भी भाई पुलिस वाले ढूंढ रहे होंगे। एक बार मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, अंदर का इंटीरियर देखो भाई काफी ज्यादा ओल्ड मॉडल है। इसका भाई स्पीडोमीटर भी काफी ज्यादा मतलब अजीब सा है, और व्हाइट कलर के जो बॉर्डर इस पे मतलब डिजाइन हुआ है ना ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है अपने को। गाइस कमेंट बताओ कि आपको ये ओल्ड मॉडल की कार कैसी लगी, और भाई इस कैमरा व्यू में चलाऊंगा ना तो कसम से कार कहीं ना कहीं ठुक जाएगी, तो इसलिए अच्छे से कैमरा व्यू कर लेते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई बी माफिया के पास इस कार को लेकर। और इसको चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, अगर पुलिस वाले पीछे नहीं पड़े होते ना भाई तो इतना क्लियर नहीं होता, तब का ही हम यहाँ पे पहुँच गए होते। बताते हैं इसको पुलिस टीम और भाई पुलिस का पुलिस का काफी ज्यादा है। माइकल को मारने वरने का कोई प्लेन में खड़े तो नहीं है ना, मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। बट ठीक है मैं अकेले आया हूँ, और बिग माफिया पता नहीं यहाँ पे ब्रेकलेस में क्या देख रहा है। चलते हैं गाइस उससे बात करते हैं और अपना नेट वगैरह रख लेते हैं। भाई बिग माफिया अंडरवाटर माफिया के हाथ में गन देकर डर तो लग रहा है, बात करते हैं जल्दी से। ओके गाइस, तो मेरा बात बिग माफिया से हो चुका है। यार ये बंदा इस कार को देखकर ना इतना ज्यादा खुश हो गया ना, मतलब पूछो मत। ये बोल रहा था कि ये कार तो इसको एकदम इम्पॉसिबल लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि इसको कभी मिलेगा ही नहीं। और गाइस ये बंदा अभी इस कार को लेकर निकलने वाला है नॉर्थ एंडर के लिए, क्योंकि भाई इसको भाई नॉर्थ एंडर में बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें भाई बहुत सारे बंदे मतलब ऐसी ओल्ड मॉडल की कार लाएंगे, और भाई बहुत विंटेज कार लाएंगे, बहुत महंगी पुरानी मॉडल की। अगर भाई जो बंदा उस पर जीतता है ना प्राइस मनी बहुत ज्यादा महंगा है, तो शायद से बिग माफिया अपने को उसमें से कुछ दे दे। तो चलो कोई बात नहीं, दे देगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जितना खुश है ना भाई उससे तो मुझे लगता है कि अपने को कुछ ना कुछ दे ही देगा। और गाइस पीछे की तरफ खड़ा है अंडर वाटर माफिया, भाई अगर आपको ना इस बंदे की तरफ बॉडी बनाना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई जो ज्वाइन वाला बटन है ना सॉरी ज्वाइन वाला बटन को छोड़ो जिम ज्वाइन कर लो भाई, तुम लोग जाकर ऐसा बॉडी आप लोगों का भी बन जाएगा। और गाइस मैंने अभी तक बिग माफिया को नहीं बताया कि उस घर में एक रेंज रोवर की थी, भाई मुझे पता ही नहीं था कि लॉस एंजेलोस में रेंज रोवर है। गाइस आप लोग कमेंट बताओ कि मुझे वो रेंज रोवर चोरी करनी चाहिए कि नहीं। तो चलो गाइस आज की इस वाले गेम प्ले वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वाले GTA 5 वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक कर दो, और गाइस जो भी बंदे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, बेल आइकन को ऑल पे करो, और जो भाई रेड वाला बटन है उसको ग्रे कर दो, और कमेंट बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। और भाई नेक्स्ट वीडियो अपने को रेंज रोवर चोरी करना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक पड़े हुए जॉब फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Peace.